रोडोफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारत की तरफ से शुरू हो चुकी है चाइनीज हैकर्स को काउंटर करने की तैयारी। नॉर्दर्न कमांड के डेटा लीक वाले मामले में अभी तक 3 जवानों के शामिल होने की आई है रिपोर्ट। श्रीलंका में LCA तेजस फाइटर्स ने दिखाया शानदार एयर शो। इंडियन आर्मी के स्पेशल फोर्सेज ट्रेनिंग स्कूल में ट्रेन किए जा रहे हैं तुर्कमेनिस्तान स्पेशल फोर्सेज के कमांडोज। और दुश्मन ड्रोन्स को काउंटर करने के लिए इंडियन आर्मी अपग्रेड कर रही है अपनी एबिलिटीज, जल्द ही दिखेगा इसका असर। आज गुरुवार को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का कहना था कि दुनिया भर की सेनाओं के मुकाबले भारत की सेना को ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, और इसी वजह से उन्होंने एक ट्रांसफॉर्मेशनल कॉन्सेप्ट पर स्टडी करने की जरूरत बताई है। और साथ ही ये भी कहा है कि हम हर तरह के खतरे से निपटने के लिए तैयार रहें, और मुख्य तौर पर ऐसे खतरे जो चीन और पाकिस्तान की तरफ से उभरते हैं। और जबकि आज से कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस भी शुरू हो चुकी है, और जिसमें डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता, साइबर स्पेस में उभरने वाली नई चुनौतियां और अनमैन सिस्टम जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर बात की जाएगी। और जो पिछले साल मुंबई में पावर कट हुआ था तो उसको लेकर जो चाइनीज हैकर्स के शामिल होने वाली रिपोर्ट आई थी, तो उसको ध्यान में रखते हुए भी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का कहना था कि इंडियन आर्म फोर्सेस की तीनों सर्विसेज को डिजिटाइज वॉरफेयर के लिए मिलकर एक रणनीति तैयार करनी चाहिए। और जबकि ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि चाइनीज हैकर्स वाली रिपोर्ट के बाद अब केंद्र सरकार भी नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी को तैयार कर रही है, और जिसका मुख्य काम होगा भारत के साइबर लॉज में मौजूद लूपहोल्स को ढूंढना और उनका समाधान निकालना। आपको ध्यान होगा कुछ दिन पहले डिफेंस अपडेट में हमने आपको बताया था कि इंडियन आर्मी की जो नॉर्दर्न कमांड है वहां से बेहद ही संवेदनशील डेटा लीक हुआ है, और फिर जिसके बाद इस मामले की जांच के लिए इंडियन आर्मी की तरफ से इंक्वायरी भी बैठाई गई थी, और इस डेटा लीक वाले मामले पे एक सोल्जर पर आरोप भी है। तो अब इसी मामले से जुड़ी इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें उन्होंने कुछ सोर्सेज के हवाले से बताया है कि इस मामले की शुरुआती जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि नॉर्दर्न कमांड का डेटा लीक कराने में 3 जवान शामिल थे। और जबकि इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि उन 3 जवानों में से एक जवान उधमपुर में ही डिप्लॉय था, और जिस पर आरोप है कि उसके पास हेडक्वार्टर का ऑपरेशनल डेटा का एक्सेस भी था, और जबकि जो 2 अन्य जवान हैं वो दूसरे बटालियन के हैं और वे कहीं और पोस्टेड थे। लेकिन इस रिपोर्ट में कुछ सोर्सेज के हवाले से कहा गया है कि ये तीनों जवान आपस में एक दूसरे के संपर्क में थे, और बाकी फिलहाल अभी इस मामले की पूरी जाँच चल रही है। बाकी इसके अलावा अभी हाल ही में चिनार कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल VS राजू का कहना था कि कश्मीर घाटी में आतंकवाद को फैलाने की पाकिस्तान की इच्छा जारी है, क्योंकि पाकिस्तान एक शांतिपूर्ण जम्मू कश्मीर को स्वीकार नहीं कर सकता है। और इस इंटरव्यू के दौरान जब उनसे पूछा गया कि LOC पर जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीज़फ़ायर वाला एग्रीमेंट हुआ है, तो ये एग्रीमेंट किस तरीके से कश्मीर पर असर डालेगा, तो इस पर उनका कहना था कि ये जो एग्रीमेंट है ये असल में समय की मांग है, और इस एग्रीमेंट का सबसे बड़ा फायदा है उन सिविलियंस को जो LOC के पास रहते हैं, क्योंकि जब भी सीज़फ़ायर का उल्लंघन सीमा पर होता था तो सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं सिविलियंस को पहुंचता है। और उनका कहना था कि अच्छी बात है कि हम आतंकवाद को रोकने के लिए नए रास्तों की तलाश कर रहे हैं और ऐसे तरीके ढूंढ रहे हैं जिससे रीजन में शांति स्थापित हो सके। और इसलिए उनका ये भी कहना था कि भारत तो अपनी तरफ से इस दिशा में अच्छी तरीके से काम करने के लिए तैयार है, लेकिन हम पाकिस्तान से भी यही उम्मीद करते हैं कि वो भी इसी तरह से काम करे। और इसलिए उनका कहना था कि अगर LOC पर सीज़फ़ायर का उल्लंघन नहीं होता है तो एक शांत LOC से हमें आतंकवाद जैसी चुनौतियों पर और भी फोकस तरीके से काम करने में मदद मिलती है। और इस दौरान जब उनसे ये पूछा गया कि ड्रोन्स का इस्तेमाल करके जो हथियार, ड्रग्स, इन सब चीजों की भारत में स्मगलिंग होती है, तो फिर इंडियन आर्मी इस पर किस तरह की कार्रवाई कर रही है, तो उनका कहना था कि हम इस तरह के खतरे से अच्छी तरीके से अवगत हैं, और इसलिए हम इस तरह के दुश्मन ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपनी एबिलिटीज को अपग्रेड कर रहे हैं, और आपको जल्द ही इसका असर भी देखने को मिलेगा। इस बात में कोई डाउट नहीं है कि भारत के स्पेशल फोर्सेस ने समय के साथ एक अलग ही रिस्पेक्ट और रेपुटेशन को हासिल किया है, जिसके चलते इंडियन स्पेशल फोर्सेस दुनिया के सबसे बेहतरीन स्पेशल फोर्सेस में से एक मानी जाती हैं। फिर चाहे बात हो इनके प्रोफेशनलिज्म की, ऑपरेशनल एक्सपर्टीज की, या फिर सुप्रीम सेक्रीफाइस की। और दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंट्रीज के स्पेशल फोर्सेस ने भी अब भारत के स्पेशल फोर्सेस के साथ ट्रेन होने की अपनी इच्छा जताई है। और आप इस बात को जानते होंगे कि भारत के स्पेशल फोर्सेस भी अन्य कंट्रीज के स्पेशल फोर्सेस के साथ समय समय पर ज्वाइंट एक्सरसाइज कंडक्ट करते रहती है। और अब ऐसे ही एक और उद्देश्य के साथ इंडियन आर्मी के स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल में तुर्कमेनिस्तान के स्पेशल फोर्सेस ने इंडियन आर्मी के स्पेशल फोर्सेस के साथ अपनी ट्रेनिंग को शुरू किया है, और इस ट्रेनिंग के दौरान इंडियन स्पेशल फोर्सेस तुर्कमेनिस्तान के स्पेशल फोर्सेस की कैपेबिलिटी को बिल्ड करने में मदद करेगी। और बता दें कि इंडियन आर्मी के इस स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल में तुर्कमेनिस्तान स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज को एक रिक्वेस्ट के आधार पर ट्रेन किया जा रहा है, और इस दौरान कई अलग अलग कस्टमाइज प्रोफेशनल कोर्सेज के साथ तुर्कमेनिस्तान स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज को ट्रेन किया जाएगा। बाकी अगर आप भारत की टॉप 5 स्पेशल फोर्सेस के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके रिगार्डिंग वीडियो हमने ऑलरेडी बनाई है, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा।
और यही नहीं बल्कि इंडियन आर्मी के स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल जहाँ पे तुर्कमेनिस्तान के स्पेशल फोर्सेस को ट्रेन किया जा रहा है, तो इस खास ट्रेनिंग स्कूल पर भी हम अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना चुके हैं और इसका लिंक भी आपको आई बटन में मिल जाएगा। और वैसे हमारे पास एक जानकारी उन निकम्मे लोगों के लिए भी है जो अभी ये कह रहे थे कि श्रीलंकन एयरफोर्स ने भारत के तेजस फाइटर को मना कर दिया है, तो उन्हें हम जानकारी देना चाहेंगे कि श्रीलंकन एयरफोर्स के 70वीं एनिवर्सरी के अवसर पर आज इंडियन एयरफोर्स के LCA तेजस फाइटर ने एक शानदार एयर शो प्रदर्शित करके दिखाया और तेजस के इस एयर शो की पिक्चर हमने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी अपलोड की है। और यही नहीं बल्कि श्रीलंकन एयरफोर्स के पायलट्स ने भी इस तेजस फाइटर का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लिया। और हाँ, अगर आप में से किसी को ये लग रहा है कि हम इस तेजस फाइटर वाले न्यूज़ को इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि हमें हमारे निकम्मे पड़ोसी को जलाने में मजा आता है, तो आपको बताना चाहेंगे कि आप यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उनकी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिक गाइडेंस को जारी किया गया है। इसमें अमेरिकन सरकार ने भारत के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की बात कही है और इसमें यह भी कहा गया है कि अमेरिका भारत के साथ अपनी साझेदारी को पहले से भी ज्यादा मजबूती देना चाहता है और अमेरिका भारत के साथ न्यूजीलैंड, सिंगापुर, वियतनाम और ऐसी अन्य एशियन कंट्रीज के साथ अपने साझा उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए काम करेगा। और जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से चीन की तरफ से इंटरनेशनल सिस्टम के लिए उभरने वाले खतरों के लिए एक हाई अलर्ट भी जारी किया गया है। और जिस तरीके से अमेरिका ने अपने नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिक गाइडेंस में भारत के साथ अपनी साझेदारी को मजबूत करने की बात कही है, तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की इस पॉलिसी को चीन पर एक शिकंजा कसने की तैयारी माना जा रहा है। और एक रिपोर्ट ये भी है कि भारत की ऑर्डनेंस फैक्ट्रीज को भारत की भविष्य के डिफेंस रिक्वायरमेंट के लिए तैयार करने के लिए किस किस तरह के पॉसिबल एक्शंस लिए जा सकते हैं, इस बात पर चर्चा करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक हाई लेवल मीटिंग कंडक्ट की गई थी। अभी हाल ही में कुछ ऐसी रिपोर्ट्स निकल के सामने आई हैं जिनके मुताबिक नॉर्थ कोरिया प्लूटोनियम को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो और भी अधिक न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप कर सके। और अगर वाकई में नॉर्थ कोरिया अपने न्यूक्लियर वेपन्स के एर्सनल को बढ़ाने पर काम कर रहा है तो फिर ये पूरी दुनिया के लिए खतरा क्यों है, ये शायद हमें आपको समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप सभी नॉर्थ कोरिया और उसके सुप्रीम लीडर किंग जोंग उन से अच्छी तरीके से परिचित होंगे। कल के जो हमारे टॉप 3 कमेंट्स हैं वो कुछ इस प्रकार है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही, और अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो इसे लाइक करे बिना कहीं ना जाएं। बाकी इस एपिसोड को लेकर आप अपने सजेशंस और क्वेरीज कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।